अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो दोस्तों सुबह के हो गए हैं, सुबह तो नहीं, दिन के 12 होने वाले हैं और हम अभी चेक आउट करने वाले हैं। और थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूं, ये सामने बस स्टेशन है और ऊपर ये पहाड़ी इलाका सारा। और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पिनंग को। और आपको ये भी बता दूँ कि पिनंग के बस स्टेशन दो होते हैं, एक बटरवर्थ होता है और एक दूसरा जो मतलब इसका नाम मुझे पता नहीं क्या है, मतलब वो ब्रिज जो पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पर आता है जो जजीरा है। ठीक है, अभी हम उसमें खड़े हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है और कैसी कैसी जगह पर जाएंगे। आज सारी डिटेल आप दोस्तों से शेयर करेंगे। फिलहाल हम आउट अभी चेकआउट करने जा रहे हैं होटल में। और जो लोग आउट चेकआउट करते होते हैं, ज़्यादातर अपनी चीज़ें जो होती है ना होटल में, वो चेक एक बार ज़रूर कर लिया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी में निकलते हैं फिर अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए हमने अच्छी तरह चेक कर लिया हमारी कुछ चीज़ें। तो ये दोस्तों हमारा होटल था, चेकआउट कर लिया है और इसकी लोकेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। अभी बाहर निकल आए हैं और ये होटल है, तो अभी निकलते हैं। ये सामने बस स्टेशन है साइड पर, हमें तो ज़ाहिर है जगह रात को दो तीन होटल में गए थे, हमें होटल नहीं मिला क्योंकि असल में गलती होटल वालों की भी नहीं थी। रात को हम 2 बजे गए थे, 3-4 होटल में गए थे लेकिन वो बोलते हैं फुल हैं, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए थे। यहाँ हमको मिल गया था होटल, माशाल्लाह देखें पुराने मॉडल की कार बड़ी संभाल के रखी हुई है लोगों ने। अभी अगर बात करूँ यहाँ के टम्परेचर की, मौसम की बात करूँ, तो यार मुझे तो एक ऐसा ही लग रहा है मलेशिया का मौसम जैसे मलाका का है, ऐसा यहाँ भी ऐसा ही है। और अभी निकल पड़े हैं यहाँ से, ग्रैब मारते हैं, देखते हैं कौन सी डिस्टिनेशन पे जाना है। उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट करना है, वैसे तो टाइम 12 का है लेकिन हमारा तो ब्रेकफास्ट हुआ ना, अभी सुबह उठे हैं ना, इसलिए तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर देखते हैं कौन कौन सी जगह पर जाना है हमने, कौन कौन सी प्लेस पर। एक तो प्लान है कि जो सात समुंदर लग रहा है वहाँ चलते हैं। असल ग्रैब अभी बुक कर ली थी और ग्रैब आ भी गई है, मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन देख देता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं जॉर्जिया टाउन, पुराना वो एरिया है, बताते हैं ऐसा वीडियो में भी देखा है, जाके देखते हैं। और यहाँ से जो हमने अभी ग्रैब बुक की है वो तकरीबन 27 रिंगट की पड़ी है। वहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ वहाँ जाकर खाना भी खाते हैं और वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं, ये नहीं है कि नहीं, इंडियन और पाकिस्तानी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं। अगर जो लोग पिनंग आना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए तो उनको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी खानों का टेस्ट मिल सकता है। लेकिन आज हम खुद जा रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर आपको बताएँगे। ये सबसे बड़ा स्टेशन पुलिस स्टेशन है पेनांग का, अगर मैं गलत बोलूं तो, जो पेनांग में लोग रहते हैं, यार मुझे थोड़ा सा बताते जाना, मिसगाइड भी हो सकता है। ये जॉर्जिया टाउन की मार्केट यहाँ से शुरू हो गया, पुराना जो जॉर्जिया टाउन है ना अभी ये शुरू हो चुका है। अभी हम जिस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर गए थे वो बंद था, लेकिन उसने ऑनलाइन वो शो कर रहा था ओपन है लेकिन वो बंद था। अभी गर्मी भी है, अभी धूप मतलब 12 बजे की बात करें तो अभी धूप ज़्यादा लग रही है, धूप भी इधर काफ़ी है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और चीज़ें, ये देखें जी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं मीठी बेचने के लिए, दुकानें वगैरह। और ये कुछ शॉपिंग मॉल है अंदर, बाद में देखेंगे, पहले कुछ खाने पीने का सिस्टम कर लें। ये देखें, ये भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी मीठी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। और पेनांग के ये माइडीन शॉपिंग मॉल है और इसके अंदर हर चीज़, जैसे मैं आपको अपने शॉपिंग मॉल वगैरह दिखाता रहता हूँ। ओहो, ये क्या चीज़ है, अरे क्या चीज़ है, बीच वगैरह है, पता नहीं वो किस चीज़ के बीच है। अच्छा देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं और चीज़ें।
और जाजिया टर्न सुनने में आया बहुत ही खूबसूरत जगह है पिनांगी, और शवारमा आपको यहाँ मिल सकते हैं अरबिन स्टाइल में। देखें शवारमा इधर का, वाह। वैसे रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश करें कि पाकिस्तानी कुछ तंदूरी नान वगैरह मिल जाए तो वो अच्छा हमें। देखें अभी ये सामने लाइटिंग लगी हुई है, रात को इनका मज़ा ज़्यादा आएगा, चाइनीज़ लाइटें जो होती हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर आ रही है ना इसलिए, तो ये रात को लाइटिंग बहुत मज़ा करेंगी। देखते हैं रात को इसका सीन कैसा होता है। अभी ये पीछे भी आ रहे हैं। हाँ जी क्यों है? क्यों जी? नाश्ता करना है, खाना 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 होटल। अरे यार देखिए अभी गाड़ियाँ निकले। ओके थैंक यू। ओहो इधर लाइटें देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई हैं साइड पे, बाद में जाएंगे उधर। अभी फिलहाल ये जगह आपको दिखाते हैं साइड पे, ये भी कोई पुरानी इमारत है, चाइनीज़ है, नहीं 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 इंडियन टेंपल है, इंडियन टेंपल, कुछ पूजा वगैरह का ये टेंपल बना हुआ है इसके अंदर। खेल में तो जैसे ये बसें फ्री चलती हैं, यहाँ पता नहीं फ्री चलती हैं कि नहीं चलती हैं। ये सामने देखिए, ओ अच्छा ये बिहारी टेंपल है यहाँ पर, श्री कौन बिहारी टेंपल। यहाँ भी साइकिलें आपको ऑनलाइन मिलेगी, ऐप इंस्टॉल करें और आप साइकिल पर घूम फिर सकते हैं यहाँ पर भी। अच्छा है यार, खूबसूरत है पेनांग भी, और जो लोग पेनांग से देख रहे हैं लाजमी कमेंट्स करें, लिखें पेनांग। वाह लोग फिर भी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग घूम फिर रहे हैं। और आपको बताऊं आज की जो रात है ना वो चाइनीज न्यू ईयर की रात आज से शुरू हो जाएगी, मतलब रात को 12 बजे यहाँ भी बम बम होंगे। देखते हैं हमें देखना नसीब होते हैं कि नहीं होते बम बम। अभी ये देखिए कपड़े वगैरह की शॉपिंग है यहाँ पर, कुछ लोग और बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है यार, ये वाली तो अच्छी खूबसूरत लग रही है। पेनांग का कबूतर चौक आ गया भाई, कबूतर चौक हो ये मैं ही बोल रहा हूँ, कबूतर चौक इसका क्या नाम है मुझे नहीं आइडिया। कबूतर चौक, अभी तीन रास्ते आ जाते हैं, एक इस साइड पे जा रहा है, यहाँ पर एक कश्मीरी होटल है, ये किस साइड पे जा रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है, और ये किस साइड पे जा रहा है भाई। जो लोग मतलब अगर पोर्ट किसी आइलैंड में जाना चाहते हैं, समुद्र के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर वो लंका हुई जाना चाहते हैं, यहाँ से फेरी से भी जा सकते हैं और आप वो यहाँ से फेरी का भी मज़े ले सकते हैं। देखें थोड़ा सा आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का, इंजॉय करें, और लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। वाह कैपिटल, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ कैपिटल, वैसे तो कैपिटल कुआलालंपुर है। खाना खाना है क्या, भूख लगी है? हाँ जी हाँ जी फैसल भाई, ये बांग्लादेशी भाई हैं, बताता रहता हूँ आपको, भूख लगा हुआ है भाई जबरदस्त लगा हुआ। कौन सा खाना खाना चाहता है, मलेशियन बंगाली पाकिस्तानी इंडियन, कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, बात है कि कोई भी मिल जाए खाना खाना है। अभी भूख लगी हुई है, सुबह उठे हैं नाश्ता नहीं किया तो सबसे पहले हम आए थे हसन बिरयानी, जो लोग पिनांग में रहते होंगे उनको पता होगा हसन बिरयानी, हम गए थे वो ओपन शो कर रहा था ऑनलाइन, लेकिन हम ग्रैब बुक वहाँ करके गए थे, लेकिन वो तो ऑफ था भाई, बंद किया हुआ था उन्होंने। ये देखते हैं फिर उधर चलते हैं। ये वही हम देख रहे हैं, नाम तो कश्मीरी का है लेकिन है, लेकिन साउथ इंडियन के बिना ऐसा रेस्टोरेंट में जहाँ जाएगा इधर है। आप
अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं असल में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, मैं वहां से आगे चला गया था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के चक्कर में जो बोल रहे थे कश्मीर रेस्टोरेंट है, लेकिन दोस्तों मैं जब गया हूं अंदर गया हूं तो वो तो जो दिखाया जा रहा था मतलब कि मतलब नान वगैरह सब ठीक है मानते हैं, लेकिन जब हम अंदर गए हैं तो यार वो शराबें वगैरह आगे पड़ी हुई थी, तो फिर मैं बोला कुछ भी नहीं इधर खाना हमने, क्योंकि वो चीज़ें हम देख के ना फ्रंट साइड पे, तो वो हम फिर उससे मेरा दिल उठ गया था क्योंकि वो कश्मीर रेस्टोरेंट नाम लिखा हुआ था लेकिन शराब वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला भाई नहीं खाना यहाँ हमने। फिर हम वापस आ गए पीछे, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ लेकिन कश्मीर रेस्टोरेंट नाम लिखा हुआ मुस्लिम उधर वो शराब वगैरह पड़ी हुई थी, तो फिर मैं इसलिए नहीं यार उधर से किया, मैंने खाना नहीं खाया। और देखें ये आदमी एक गरीब आदमी को खाना दे रहा है, ऐसे लोग भी हैं यार, बहुत अच्छे लोग भी हैं। और अभी हम आ गए हैं नासिक अंदर, यार यहाँ पर एतमाद है हमें, खाने का एतमाद है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, इसलिए हम यहाँ खाना खाएंगे। यहाँ आपको नान तो नहीं मिलेंगे लेकिन खाने के लिए बिरयानी आपको मिलेगी, और ये आपकी चीज़ आप सामने देख सकते हैं, और ये रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं। अंदर बैठने के लिए जगह भी है और यहाँ बैठ के भी ऑर्डर किए हमने, और देख लें बिरयानी है, चिकन फ्राई है, और साथ ये बकरे गोश्त की एक बोटी है, मतलब बकरे गोश्त और बकरे का शोरबा हमने डाला हुआ था जो करी बोलते हैं जिसको हम, और अभी खाना खा रहे हैं, खाते हैं फिर देते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ से हमने खाना खा लिया था, अभी ग्रैब बुक की है, और यहाँ थोड़ी सी गर्मी होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि समुंदर वाली साइड पे चलते हैं, तो ग्रैब अभी आ चुकी है, हम बैठ ही चुके हैं ग्रैब में, अभी जा रहे हैं हम समुंदर वाली साइड पे, उधर एक चाइनीज टेंपल भी है बहुत बड़ा है, वो भी देखते हैं, लेकिन देखें वहाँ लाइटें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं साइड पर, अभी चलते हैं, यहाँ भी लाइटें हैं, रात को ज़्यादा बुम होगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन चलते हैं अभी उस साइड पे। यहाँ का समुंदर सुना है कि उसका पानी बड़ा सफ़ेद होता है और नीले कलर का होता है, क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इसमें, चल के देखते हैं अभी अभी सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ मैं आप दोस्तों को एक और बात बता दूँ, जैसे हम कुआलालंपुर के अंदर जितनी मतलब सिटी के अंदर हम घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ ट्रेन चलती है चाहे LRT MRT मोनो ट्रेन चाहे जो भी है, आपको पेनांग के अंदर कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, आप ट्रेन पे आप सफ़र नहीं कर सकते भाई, बस आप सफ़र कर सकते हैं और ग्रह पर आप सफ़र कर सकते हैं, ये उन दोस्तों के लिए जो मलेशिया विज़िट करने के लिए आ रही हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पेनांग में अगर कोई ऐसा ट्रेन सिस्टम है हम ट्रेन पर आगे पीछे सफ़र कर सकते हैं, तो मैंने अभी तक नहीं देखी, और लोगों से पूछा भी है, लोग भी बोलते हैं यार ट्रेन नहीं चलती। तो यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं इस जाजिया टाउन बोलते हैं, और ये पुराना काफी पुरानी जगह है, घूमने वाली जगह ज़्यादातर जो लोगों ने मुझे बताई है वो यही बताई है कि आप अगर जाते हैं जॉर्जिया टाउन में लोग ज़्यादा आते हैं, इधर घूमते फिरते जाते हैं, उसके बाद जो आगे एक स्टेशन है फेरी, यहाँ फेरी स्टेशन भी है, अगर आप दूसरी आइलैंड पे जाना चाहते हैं तो आप फेरी के थ्रू भी जा सकते हैं, और उसकी टिकट हमें कन्फर्म नहीं है, अगर हम ट्रैवल करते हैं उस पर तो हम आपको लाजमी बताते हैं।